स्वागत है, मैं हूं अंजू निर्वाण और इस वक्त मेरे साथ है सीआरपीएफ की महिला ब्रिगेड, महिला डेयर डेविल्स। ऐसी महिलाएं जो बाइक्स पर स्टंट करती हैं, ऐसी महिलाएं जो भारत की आन बान शान का प्रतीक है, अपने आप में पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी महिला ब्रिगेड जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। आपको बता दें कि जिस तरह से सीआरपीएफ का राइजिंग डे होगा 25 तारीख को यानी 25 मार्च को, ये तमाम महिलाएं दिल्ली से ड्राइव करते हुए रायपुर जगदलपुर तक पहुंचेंगी, यानी कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तक पहुंचेंगी। करीब 1800 किलोमीटर का सफर तय करेंगी और पहुंचेंगी वहां पर, राइजिंग डे में हिस्सा लेंगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, ये महिलाएं देश की आन बान शान का प्रतीक है, घर को भी संभालती हैं, लेकिन साथ ही साथ देश की सरहद की सीमाओं की रक्षा करती हैं। तो इस वक्त मेरे साथ है महिला डेयरडेविल्स। सबसे बड़ी बात है कि होली के मौके पर ज्यादातर जो होता है, ये उम्मीद की जाती है कि बेटियां जो होंगी घर का चूल्हा चौका संभालेंगी, और महिलाओं की जो अभी तक जो एक रूपरेखा लोगों ने अपने दिमाग में खींची थी वही है। लेकिन उसको ब्रेक करते हुए ये महिला डेयरडेविल्स इन बाहरी बाइक्स पर, यानी कि ये जो मैं इस वक्त बाइक चला रही हूँ, ये रॉयल इनफील्ड बाइक है, यानी कि बुलेट बाइक पर ये महिलाएं जो हैं कर्तव्य करती हैं राजपथ पर, जिसको आप कर्तव्य पथ कहा जाता है। कर्तव्य पथ पर ये लोग वहाँ पर प्रदर्शन भी करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राइडर्स हैं और ये प्रोफेशन इन लोगों ने चुना है। एक तरफ सीआरपीएफ में होने के नाते कोई कोई महिला कश्मीर में ड्यूटी करती है, कोई नक्सलाइट एरिया में देश की सीमाओं की और अलग अलग जगहों पर रक्षा करती हैं, यानी कि नक्सल एरिया में भी जिस तरह से टफ ड्यूटी होती है उस विरोध को भी ये लोग फेस करती हैं और घर में भी चूल्हा चौका संभालती हैं। तो इस तरीके से बहुआयामी जो रूप एक महिला के होते हैं वो तमाम ये उसे निभाती हैं, लेकिन साथ ही साथ देश की सीमाओं की भी रक्षा करती हैं। तो इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये पूरा जो हुजूम चल रहा है महिला डेयरडेविल्स बाइकर्स का है, और इस वक्त हम यहाँ पर गुड़गांव में इनके साथ बाइक राइड कर रहे हैं। तो खास मौका हमारे लिए, TV9 की टीम के लिए, और आप यहाँ पर देख रहे हैं राइजिंग डे एक तरफ मनाया जाएगा सीआरपीएफ का, वहीं दूसरी ओर ये महिलाएं जो हैं बाइक राइडिंग करते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। खास मौका हमारे लिए, और होली पर सबसे बड़ी बात है कि ये खास एक्सक्लूसिव कवरेज इस वक्त हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। महिलाएं जो देश की सुरक्षा भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी देश की सीमाओं की अंदरूनी और बाहर हर जगह से रक्षा भी कर रही हैं। वुमेन्स डे और होली के इस खास मौके पर हम इन महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है इनका, किस तरीके से ये अपने इस पूरे त्योहार को सेलिब्रेट करेंगी, और साथ ही साथ किस तरीके से एक महिला एम्पावरमेंट जिस तरह से भारत में लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर भी हम इन महिलाओं से, महिला डेयरडेविल सीआरपीएफ की इन महिलाओं से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इनसे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है इन लोगों का इस पूरे मौके पर, वुमेन्स डे को किस तरह से ये सेलिब्रेट करेंगी। होली का मौका है, ऐसे में क्या कहना है इन लोगों का, चलिए। और अब हम इन महिला डेयरडेविल से बात करते हैं। वुमेन्स डे का मौका है, राइजिंग डे भी बहुत नजदीक है सीआरपीएफ का, लेकिन साथ ही साथ होली का भी मौका है। इस वक्त हमारे साथ ये तमाम महिलाएं हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम, आपका TV9 पर स्वागत है। आप सब देश का गौरव हैं, बाइक्स चलाती हैं, आपके साथ हमें भी मौका मिल जाता है थोड़ा बहुत बाइक चलाने का। TV9 पर स्वागत है। थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डेयरडेविल्स टीम की तरफ से। और महिला जो दिवस है, वुमेन्स डे पे हम लोग जो रैलियाँ निकल रहे हैं उसका छोटा सा प्रदर्शन तो आपने देखा अभी। बिल्कुल, मैंने देखा और बहुत बहादुर हैं। 1800 किलोमीटर का सफर तय करना कोई मामूली बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है ये, बाइक्स पे वो भी। यस मैम, ये तो बच्चों का खेल नहीं है, और सबसे ज्यादा ये जो शारीरिक क्षमता का एक परीक्षा है बोल सकते हैं इसका। शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन रखना है, रोडों पे चलना है और इतना किलोमीटर का जो दूरियां तय करना है वो एक चुनौतियां है महिलाओं के लिए।
और हम लोग इस चुनौती पे खड़े उतरेंगे और उसी के लिए सारी तैयारी चल रही है। ओके सीमा जी, आप असिस्टेंट कमांडेंट भी हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सीमा जी हैं वो यहाँ पर सीआरपीएफ डेयर डेविल्स में असिस्टेंट कमांडेंट हैं, और साथ ही साथ ये जो पूरी टीम है जो बाइक्स पर चलती है 1800 किलोमीटर का सफर तय करेगी उसको एक तरीके से उसका प्रतिनिधित्व भी करती हैं। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें इस मौका दिया हमें ये लीड करने के लिए, तो मैं पूरा अपना जितना पूरा एफर्ट लगा रही हूँ कि हम जो टारगेट दिया उसको हम अच्छे से पूरा करूँ, अचीव करूँ, बस ये उसी का तैयारी पे लगे हैं हम लोग। कब से मैम आपने ये सोचा कि ये इस पूरी टीम को आप लोग एक तरीके से एकजुट करें, महिलाओं की एक ऐसी टोली जो बाइक्स भी चलाती है। 26 जनवरी के मौके पे भी आप लोगों ने 2020 में प्रदर्शन किया था, हमने देखा था किस तरीके से कर्तव्य पथ पर आप लोगों ने पूरी प्रदर्शनी की थी। हाँ, ये 2014 में हम लोग ये टीम स्टैंड किया और तब से लेकर 2020 में हम लोग कर्तव्य पथ पे ये डेयर डेविल्स टीम ने अपना जो हुनर है, जो प्रदर्शन है वो दिखाया था, और वो बहुत ही कम टाइम में 10 डेज की जो तैयारी पे हम लोग वो प्रोग्राम जो डेमो दिखाए थे। और अभी हमारे पास एक नया चुनौती दे दिया कि दिल्ली से जगदलपुर का जो 1800 किलोमीटर का दूरिया महिलाएं तय करेंगे, टोटल 38 बाइक्स चलेंगे रोडों पे। हाँ। और सभी की दिल पे धड़कते हुए हाँ। रोडों पे अपना जज्बा दिखाते हुए जाएंगे, गली गलियों पे, शहर शहरों पे हर नारी हर व्यक्ति रुक जाएंगे हमारे हाँ। जो प्रोग्राम है उसको देखने के लिए जी। आप लोग भी देखेंगे, दिल तो थमेंगे, दिल तो दौड़ेंगे और दिल धड़कता भी है। जैसे अभी सबसे बड़ी बात है कि वुमेन्स डे का मौका है, होली का भी मौका है। होली जाहिर सी बात है आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, होली पर अपने घर वालों से दूर रहेंगे या फिर उस दौरान आप लोग होली में रहेंगे घर वालों के साथ? घर वालों से तो कभी हम दूर नहीं है, ये हमारे पूरा फैमिली है, डेयर डेविल्स फैमिली है और हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे परिवार बताइए, एक सीआरपीएफ एक हमारा परिवार ही है। हाँ। हर सुख दुख में हम साथ चलते हैं, रोडों पर भी जब चलेंगे उस होली या त्यौहार हर त्यौहार को हम मनाते हुए चलते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा, खुशियाँ रहेगा और साथों साथ एक मैसेज देंगे ये इंडिया को। और ये है कि महिलाएं किसी भी जगह पे, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पे आज महिलाएं पीछे नहीं है, कम नहीं है, पीछे नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, होली की जैसे मैंने अभी बात की, होली पे आपको क्या याद आता है? होली का कोई गीत, होली की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लुभाती है? होली के रंग क्या चीज़ें? होली एक रंगों की त्यौहार है और इसमें हर एक रंग पे हर सब लोग अपना खुशियाँ मनाते हैं। बुरा ना मानो होली है तो चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग है, सब लोग अपना कलर पे, अपना जो ब्लैक एंड वाइट को ख़त्म करके कलरफुल जो दुनिया बनाना चाहता है, यही होली का है कि खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, ये सबसे बड़ी बात है। वुमेन्स डे के ऊपर भी आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम अगर देखें, मैं देखिए एक बार कहूँगी अपने कैमरा पर्सन राजीव से एक बार दिखाएं, ये महिला सशक्तिकरण की पूरी पहचान है। देखिए किस तरह से देश की जो नारी शक्ति है वो आगे बढ़ रही है। तो होली की आपने जिक्र की, नारी शक्ति की अगर हम बात करें, वुमेन्स डे का मौका है, क्या कहेंगी पूरे देश की महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगी? पूरा देश के महिलाओं के लिए मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ, एक पोएम मुझे बहुत ज़्यादा या मतलब मैं मन ही मन गुस्से रहती हूँ, झुक झुक के सीखा खड़ा होना, अब फिर झुकने का शौक नहीं, मैं अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। हाँ, क्या बात है। और अभी अब मिटने का खौफ नहीं है महिलाओं के अंदर, अब वो झुकने वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब जो भी चैलेंज देंगे, जो भी चुनौतियाँ सामने देंगे, महिलाएं अपने हंसते हुए उस चुनौतियों के स्वीकार करेंगे और उसको पूरा करके दिखाएंगे। यानी कि कंधे से कंधा पुरुषों के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चढ़ रही हैं। आपने जोश वाली बात की, एक होली वाली बात भी, कोई होली का गीत आपके अगर मन में आता हो और आप गुनगुनाती हो? होली का तो मुझे इतना आता नहीं है मुझे गीत गाना। हाँ। पर मेरे टीम को बहुत अच्छा गीत गाना आता है, आप अगर कैमरा दूसरी तरफ घुमा देंगे तो मेरी बिल्कुल आपकी टीम है यहाँ पर, झंडा भी है इनके हाथ में, बुलंद झंडा, सीआरपीएफ का बुलंद झंडा। तो क्या बता रही थी मैम, जो हमारे जो होली का त्योहार पे जो भी गीत होंगे हमारे ये राइटर है सोनिया, वो गाना भी गाते है, साथ साथ बहुत अच्छे राइटर भी है, अब झंडा भी हमारे जो चल रही है इनके मन पे गाना गुनगुनाते रहते हैं, आप एक बार अगर कैमरा घुमा देंगे तो उनसे सुन पाएंगे। सुना, ये बताइए आपके मन में कौन सा गाना रहता है? होली का मौका है, वुमेन्स डे का भी मौका है, लेकिन होली का यानी कि पूरा हिंदुस्तान एक ऐसा मौका है जब दिलों में कोई भी कह सकते हैं कोई दूरियां नहीं रहती और सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंगों का त्योहार मनाते हैं।
मैं दो लाइन गाना चाहूंगी अपने देश के लिए जी। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया सोनिया जी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। होली का भी आपको कोई ना कोई गीत जरूर आता होगा। होली का मैम नहीं आता। होली का मुझे लगता है उनको आता है। उनको आता है होली का गीत। मैं देख रही हूँ आपके चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान है। होली का गीत नहीं बट हमारे देश के राम का गीत था, इसीलिए बहुत खुशी हो रहा था। बहुत खुशी हो रही थी। देश का रंग, तीन तिरंगे का रंग, लेकिन सीआरपीएफ की झंडा भी जो है आप लोगों के हाथ में है, वो बुलंद रहे। तो क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर? इस मौके पर मैम हमारे एक तो डिपार्टमेंट का नाम हो रहा है हमारा, हम लोग मौका मिला है इतना लॉन्ग रूट जाने का। हाँ। इससे हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही है। हाँ। और एक मैसेज ये है कि अगर जो हमारे घर में लड़कियां कुछ भी करना चाह रही हैं तो उनको फैमिली मेंबर को पूरा सपोर्ट देना चाहिए मैम। बिल्कुल मौका देना चाहिए। हाँ? बेटियां कोई कम नहीं है बेटों से, ये बड़ी बात है। हाँ? जी मैम जी। तो ये आप एक मैका ये बड़ा एक मैसेज आप होली के मौके पर, वुमेंस डे के मौके पर देना चाहती है। जी मैम जी। आपके पीछे भी एक देख रही हैं और इनके माथे पर भी तिरंगा लहरा रहा है, मैं देख रही हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? मैम बस लड़कियों को तो हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए। हाँ। फैमिली की ओर से कॉर्पोरेट रहना चाहिए और हर चीज में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। महिला कभी कमजोर नहीं रहती है। महिला कोई कमजोर नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है महिला शक्ति की पहचान। इन्होंने बोला महिलाएं कोई कमजोर नहीं है। सीमा जी आपकी टीम में एक से एक महिलाएं हैं। ये देखिए हाथ में इनके सीआरपीएफ का झंडा जो है वो बुलंद है और एकदम आप खड़ी हुई है, मैं देख रही हूँ पोजीशन बिल्कुल सही ली हुई है एकदम। हाँ जी मैम। हाँ जी। क्या कहना चाहती हैं आप? इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके हाथ में, तिरंगा है सीआरपीएफ का। हाँ जी मैम, ये तिरंगा हमेशा ऐसे ही खड़ा रहेगा और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में ये तिरंगा हमेशा ऐसा ही रहे, ऊंचा ही रहे, सबसे ऊंचा रहे। बिल्कुल। तो कुछ कहना चाहेंगी? होली का भी मौका है। हमारी सीआरपीएफ की तरफ से सबको वुमेन डे पे हैप्पी होली और होली खेले रंग नीला, अवध में होली खेले रंग नीला। अरे वाह, कुछ आप कहेंगी? आपका नाम बताइए। काजल। काजल जी कहाँ से हैं? मैम हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र से। अच्छा सीमा जी आपकी टीम में हर स्टेट की लड़की है? ऑल इंडिया है। पूरा इंडिया, पूरा है टोटल इंडिया, पूरा इंडिया, 90 के 90 पूरा इंडिया हमारे एक साथ चल रही है। 90 से। देखिए आपको सबसे बड़ी बात है कि ये जो टीम चलेगी 75 महिलाएं, क्या कहना चाहती हैं होली के मौके पर? मैम मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है मतलब सब त्यौहार को सेलिब्रेट करना। हमारे इसमें तो नहीं होता लेकिन सीआरपीएफ में आने के बाद सब धर्म एक साथ होते हैं तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है कि मैं सभी धर्मों के त्यौहार एक साथ सेलिब्रेट करती हूँ। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यस। तो होली पे क्या कहेंगी देशवासियों के लिए? हमारी तरफ से सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप बताइए आप कहाँ से हैं? आप बताइए। जी मैम बिहार से। मैम अरे वाह बिहार से हैं तो बिहार के लाला नाम करेंगे, बिहार की बिटिया भी नाम करेगी। हाँ जी मैम। क्या बात है, क्या कहना चाहती हैं होली पे? हैप्पी होली सभी को। हैप्पी होली सभी को कह रही हैं। कुछ और भी महिलाएं हैं, मैं यहाँ पर मैं इनसे बात करना चाहूंगी। इनसे हमारी पहले भी बातचीत हुई है। आप बताइए, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम संगीता मिश्रा है। हाँ। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। हाँ। मैं बाइक राइड करती हूँ, 10 फीट का सीढ़ी लगा रहता है, माउंट करती हूँ। अच्छा जी। क्या कहना चाहती हैं होली के मौके पर? होली के दिन खिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली में यही कहना चाहते हैं कि सब एक साथ मिल के हम डांस गाना सब करते हैं। जैसे वो झूम रही है लड़कियां, हम गा रहे हैं और झूम जाती है। अगर आप एक बार झूम भी रहे हैं। झूम भी रहे हैं कुछ लोग। हाँ तो सब झूम जाएंगे। आप एक बार कहिए कि झूम जाएंगे। भाई झूमना भी चाहिए, होली का मौका है। हेलो कम ऑन। होली के दिन खिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली। हाँ। होली के दिन खिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले दिल शिकवे भूल कर दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल
रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के बहाने दो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। अब आप लोगों ने इतना बढ़िया रंग जमाया, मुझे बताइए कहाँ से हैं आप? मैं यूपी कानपुर से हूँ। कानपुर से हैं। होली पसंद है? जी मैम। क्या पसंद है होली में सबसे ज्यादा? मैम होली में जो है ना, जैसे ये हमारा परिवार है और हाँ। इनके साथ हम रह रहे हैं हाँ। पहले तो मैं मुस्लिम परिवार से हूँ और यहाँ आकर के मतलब सारे त्योहार मनाती हूँ। सारे त्योहार हाँ। और होली में जो रंग होता है, गुजिया होती है, पापड़ होती है, हम लोग खाते हैं, अच्छा लगता है। आप क्या कहें? सबसे रंगी पर रंगेंगे हम। अच्छा रंग भी है हमारे पास, अब आपने रंग की बात की, रंग भी है हमारे पास, हल्का हल्का रंग लगे, बिल्कुल हम आपकी ड्रेस गंदी नहीं करेंगे। चलिए अच्छा आप कुछ कहना चाहती हैं होली पे बताइए। होली हमें उड़े रे गुलाल। होली मैम, होली पे मैं अपने घर परिवार को बहुत मिस कर रही हूँ, और लेकिन इस बात का भी गर्व है कि मैं एक दूसरे ही अंदाज में होली मनाऊंगी इस बार। क्या बात है। होली हमें उड़े रे गुलाल, हयर मंगेर तर से। होली हमें उड़े रे गुलाल, हयर मंगेर तर से। क्या बात है, आप लोगों की जर्नी बहुत हैप्पी होली, आप लोगों की जर्नी बिल्कुल सेफ रहे। कुछ महिलाएं उधर भी हैं जिन्होंने बिल्कुल बात नहीं की मुझसे, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। कुछ आप भी बोलिए मैडम, आइए 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 बोलिए। हमारी सीआरपी के तरफ से सबको, सबके परिवार को हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली, होली भाई बुरा मत मानो, होली है। हाँ बोलिए बोलेगी नहीं। अच्छा चलिए कौन सा? अरे कोई हरियाणवी भी है क्या यहाँ पे? कौन है हरियाणवी? नहीं है, कोई भी नहीं है। चुनार वाली रंग बरसे, रंग बरसे, लीगे चुनार वाली रंग बरसे। क्या बात है, क्या बात है, एक एक करके बहुत शानदार आप लोगों ने, मैंने देखा आप लोग बाइक भी बहुत शानदार चलाती हैं, और अगर हम जोश की बात करें तो जोश भी आप लोगों का बिल्कुल हाई है। एक बार जरा उस कैमरे पे भी देख के बताइए। तो होली का मौका है और महिला डे डेविल्स इस वक्त हमारे साथ हैं। एक तरफ आप देखिए बाइक्स हैं, इनके हाथ में हेलमेट्स हैं, ग्लव्स हैं, हमारे हाथ में भी ग्लव्स हैं, हमने भी बाइक चलाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि होली का मौका है और पूरा हिंदुस्तान एक्सक्लूसिवली ये कवरेज देख रहा है, जहां पर महिला डे डेविल्स होली के मौके पर होली के रंग उड़ाती हुई आपको दिखाई देंगी। बाइक्स भी है, हेलमेट भी है, ग्लव्स भी है, और यूनिफॉर्म के साथ सबसे बड़ी बात है कि ये लोग बाइक चलाते हुए इतनी दूर जाएंगी, 1800 किलोमीटर जाएंगी। लेकिन उससे पहले होली है तो होली बुरा ना मानो, होली है तो वही रंग भी है। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो गाने गए, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हाँ हैप्पी होली, हैप्पी होली, अच्छा हैप्पी होली। आप कौन सा गाना कह रही थी होली का? होली का हाँ, हैप्पी होली, हाँ कौन सा गाना? भीगे चुनरी वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे, चुनरी वाली रंग बरसे, बढ़िया से थोड़ा रंग। ओके ओके। अच्छा अब आप मुझे होली पे आप कौन सा गीत कह रही थी? भोजपुरी बोल रहे थे, याद नहीं आ रहा है। भोजपुरी तो सबसे फेवरेट लैंग्वेज है, बताइए। नहीं याद आ रहा, कोई और बोल रहा था, कोई और गा रहा था। मैडम मुझे भोजपुरी नहीं आती। कौन सा गाना गा रही? मैं तो जय उड़त मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली चुनिया, उड़त मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया, चल उड़ बैठी पनवड़िया दुकनिया, उड़े उड़ बैठी पनवड़िया दुकनिया रे, बीड़े के बीड़े के बीड़े के सबर
रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। यहाँ पे है लेकिन ये लोग बहुत शांत हैं, बहुत शांत हैं। कुछ कहना है? होली है, हैप्पी है मैडम। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बिल्कुल बिल्कुल अबीर आप लोगों के लिए। देखिए लगता है सबसे ज्यादा रंग मुझे लगा दिया आप लोगों ने। हैप्पी होली, कुछ कहना है आपको होली के मौके पर? थैंक यू मैम, आप आए हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी टीम भी बहुत खुश है आपके आने से। बढ़िया मैम, अच्छा लगा, अच्छा लगा आप लोगों का। तो देखिए टीवी 9 भारतवर्ष, जी बिल्कुल टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं ये खास कवरेज होली के मौके पर। महिला डेयरडेविल सीआरपीएफ की एक तरफ 1800 किलोमीटर की जर्नी तय करेंगी, वहीं उससे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने इन बहादुर महिलाओं के साथ होली मनाई है। वो महिलाएं जो देश की आन बान शान तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घर का चूल्हा भी यही देखती हैं, लेकिन देश की सीमाओं की रक्षा भी यही महिलाएं करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव रंजन के साथ अंजु निर्वाण, टीवी 9 भारतवर्ष।